तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मॉडल क्वेश्चन के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरे 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हैं। पहले कि जो क्वेश्चन है वो भक्ति काल यानी हिंदी फर्स्ट पेपर से हैं, ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं 30 वो हैं हमारे हिंदी सेकेंड पेपर के, यानी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें मिक्स किए हैं भक्ति काल और निबंधकार से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु कौन थे? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे चार, विजय बहादुर, बी नंबर गुरु नानक, सी नंबर नानक देव और डी नंबर है गुरु तेज बहादुर। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, गुरु नानक। निम्न में से सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु कौन थे? वो हैं गुरु नानक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे प्लीज़ उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मधुमालती का नायक कौन है? नंबर एक विष्णु जी, बी नंबर राम जी और सी नंबर कृष्ण जी और डी नंबर है मनोहर। तो मधुमालती का जो नायक है वो है मनोहर, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भक्तमाल की रचना किसने की थी? नंबर एक कृष्णदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर सूरदास और डी नंबर है नाभादास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं या जिन्होंने रचना की थी उनका नाम है नाभादास, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव शतक के रचयिता कौन थे, ठीक है, कौन थे ऐसा मान लीजिए, क्योंकि रचयिता जो हैं वो अब रहे नहीं तो थे आ जाएगा, ठीक है। नंबर एक है तुलसीदास, बी नंबर रत्नाकर, सी नंबर राम कुमार और डी नंबर है जैनेन्द्र। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर रत्नाकर, ठीक है, उद्धव शतक के रचयिता हैं रत्नाकर जी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा ग्रंथ है? नंबर एक श्रीमद् भागवत पुराण, बी नंबर रामायण और सी नंबर है राम कृष्ण लीला और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, श्रीमद् भागवत पुराण, ओके, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि सत्यवती के रचयिता कौन थे या कौन है, ठीक है। नंबर एक है, क्योंकि ये प्रेजेंट के क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें है लगा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर थे भी रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कबीर, बी नंबर हजारी प्रसाद, सी नंबर जैनेन्द्र और डी नंबर ईश्वरदास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सत्यवती की जो रचयिता है वो है ईश्वरदास जी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ओके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट हमारी चैनल पे पहली बार आए या वीडियो पहली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह के क्वेश्चन और बहुत सारी बीकॉम से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप इसे जुड़े रहेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, डेली 7 बजे मेरी क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, ठीक है, तो आप डेली क्लासेस अटेंड करिए 7 बजे के बाद, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि सुंदर विलास के रचनाकार कौन है? नंबर एक दादू, बी नंबर जायसी, सी नंबर रहीम और डी नंबर सुंदरदास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, सुंदरदास, ठीक है। सुंदर विलास के रचयिता हैं या रचनाकार हैं सुंदरदास जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केली माधुरी की रचना किसकी रचना है? नंबर एक हरिदास, बी नंबर नंददास, सी नंबर रसखान और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केली माधुरी की जो रचना किसकी रचना है वो है रसखान की, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। रसखान की जो रचना है वो केली माधुरी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? नंबर एक
निम्बार्क, बी नंबर वल्लभ, सी नंबर हित्ति हरिवंश और डी नंबर है विष्णु स्वामी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर हित हरिवंश। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन जो किया है हित हरिवंश ने किया है। तो क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं भी ये बता रहा हूँ ये सारे भी भक्ति काल से रिलेटेड है, यानी हिंदी फर्स्ट पेपर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम 12 कड़ी किसकी रचना है। नंबर एक मीराबाई, रहीमदास, नंददास, महावीर प्रसाद। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नंददास। प्रेम 12 कड़ी नंददास की रचना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे भक्ति काल के हो गए। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये 11 नंबर से लेकर 40 तक जितने भी क्वेश्चन ये सारे में निबंध से रिलेटेड है, यानी कि निबंधकार से, और ये हिंदी सेकेंड पेपर के हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए, क्योंकि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बस कंटिन्यू रहें आप लोग, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध के प्रमुख प्रकार कितने हैं। नंबर एक 5, बी नंबर 6 और सी नंबर 3 और डी नंबर 2। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा 3। तीन प्रकार के हैं। ठीक है, तीन प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, यानी कि जो हिंदी निबंध है ठीक है वो किस युग से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, राष्ट्रकाल और डी नंबर प्रसाद युग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भारतेंदु युग। ओके, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें निबंध से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ थे, तो मैंने सोचा मिक्स करके कुछ क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, निबंधकार का जन्मदाता कौन माना जाता है, किसने इसका आरंभ किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोंतेन। आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोंतेन। अगला क्वेश्चन है, हरि शंकर परसाई किस प्रकार के निबंधकार हैं। नंबर एक गंभीर विषयों के, बी नंबर हास्य व्यंग्य के, सी नंबर काल्पनिकता के और डी नंबर बेकार विषयों के। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हास्य व्यंग्य के। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से शुक्ल युग के निबंधकार कौन है। नंबर एक जगमोहन, बी नंबर शिव प्रसाद सिंह और सी नंबर श्याम सुंदर दास, डी नंबर भारतेंदु। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग के जो निबंधकार हैं उनका नाम है श्याम सुंदर दास इनमें से। ओके, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायावाद का पतन किसका निबंध है। ठीक है, तो एक निबंध है जिसका नाम है छायावाद का पतन। ये निबंध किस लेखक या किस कवि का है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे गुलाब राय, उपेंद्रनाथ, अस्क, देवराज और जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवराज। ठीक है, छायावाद देवराज का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन एक है हरिश्चंद, बालभट्ट, बालकृष्ण भट्ट और सी नंबर है अध्यापक पूर्ण सिंह, डी नंबर जगमोहन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं इनमें से वो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य निबंध संकलन किसका है। एक निबंध है जिसका नाम है आधुनिक साहित्य। ठीक है, निबंध संकलन किसका है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज करने वाला हो सकता है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आधुनिक साहित्य निबंध संकलन किसका है। नंबर एक है यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, चतुर सेन शास्त्री और डी नंबर है जैनेन्द्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर नंद दुलारे वाजपेयी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा निबंध के लेखक कौन है। एक निबंध है बुढ़ापा जिसके लेखक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अज्ञे, पांडे, बेचन शर्मा और सी नंबर है शुक्ल जी और डी नंबर है रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके मैं बताएं, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पांडे बेचन शर्मा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह है। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि निम्न लिखित में से जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह कौन है। नंबर एक है कुटज, बी नंबर है श्रद्धा भक्ति और सी नंबर है भाग्य और पुरुषार्थ, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है, सी नंबर। ओके,
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कितने निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन ए के 19, बी नंबर 7 और सी नंबर 8 और डी नंबर 3। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध की संग्रह की संख्या है वो है 3। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है। एक निबंध है जिसका नाम है राष्ट्र स्वरूप, वो किसका निबंध है। ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं यशपाल, रामचंद्र, वासुदेव, शरण अग्रवाल और डी अग्के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। नंबर एक एकांकी, बी नंबर नाटक, सी नंबर निबंध और डी नंबर उपन्यास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निबंध को गद्य में सीमित आकार का लेख किसने कहा। ऑप्शन है कि कीट्स ने, बी नंबर शेक्सपियर ने, सी नंबर गिरसरण ने और डी नंबर सर एडमंड गॉस ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर एडमंड गॉस ने, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुष की रचना कब की। नंबर एक है 1970, बी नंबर है 1904 और सी नंबर 1957 और डी नंबर 1950। तो गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुष की रचना सन 1957 में की थी, 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कि द्विवेदी युग के भावपूर्ण निबंधों के निबंधकार कौन है। द्विवेदी युग के भावपूर्ण निबंधों के निबंधकार कौन है। नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर सरदार पूर्ण सिंह, सी नंबर अग्गे और डी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सरदार पूर्ण सिंह। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं। नंबर एक है प्रयोगवादी, बी नंबर है छायावादी, सी नंबर है आशावादी, डी नंबर प्रगतिवादी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी श्रेणी के निबंधकार हैं। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन हास्य व्यंग का निबंधकार है। नंबर एक धर्मवीर भारती, बी नंबर रविन्द्रनाथ त्यागी, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर है रामकुमार वर्मा। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर रविन्द्रनाथ त्यागी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी है। नंबर एक विषयों का अभाव, बी नंबर व्याकरण दोष, सी नंबर है हास्य व्यंग और डी नंबर है अति सरलता। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण दोष, बी नंबर। ओके, तो क्वेश्चन आप समझिएगा, सारे क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है स्टूडेंट के। क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं स्टूडेंट और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते भी हैं लेकिन उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सोचते हैं क्या राइट आंसर मैंने पढ़ा था, सोचेंगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। तो आप क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ समझिएगा क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि कन्फ्यूजन हो जाती है जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में तो कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर विकास संबंधी निबंध रचना किसने की है। नंबर एक गणेश बिहारी ने, बी नंबर महावीर प्रसाद ने, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल ने और डी नंबर अज्ञे ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, मनोविकास संबंधी निबंध के जो रचनाकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों में प्रयुक्त तो होती है। नंबर एक व्यंग्यात्मक, बी नंबर है वर्णात्मक, सी नंबर है विवरणात्मक और डी नंबर है भावात्मक। तो जो व्यास शैली है वो वर्णात्मक निबंधों में प्रयुक्त तो होती है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। नंबर एक विवेकी राय, बी नंबर है हजारी प्रसाद, सी नंबर गिरिराज किशोर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ललित निबंधकार इनमें से कोई है ही नहीं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार है। नंबर एक आपको ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग, बी नंबर द्विवेदी युग, सी नंबर भारतेंदु युग और डी नंबर है शुक्ल युग। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन निबंधकार रहे। नंबर एक जग प्रसाद, बी नंबर है जग प्रसाद सिंह, बी नंबर है बालकृष्ण भट्ट और सी नंबर जगमोहन, डी नंबर है जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक और निबंधकार रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। ऑप्शन एक है रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर पूर्ण सिंह, सी नंबर है महादेवी वर्मा, टी नंबर गुलाब राय। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है, वो कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई कविता के प्रतिमान निबंध किसका है। ऑप्शन एक है लक्ष्मीकांत, बी नंबर सेठ गोविंद दास और सी नंबर जैनेन्द्र, डी नंबर है गोविंद बल्लभ पंत। तो नई कविता के प्रतिमान निबंध है श्री लक्ष्मीकांत जी का, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के निबंधकार हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में शायद आपने 10th 12th 11th में भी पढ़ा ही होगा। तो जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं वो शुक्ल युग के निबंधकार हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मजदूरी और प्रेम किस कोट का निबंध है। ऑप्शन एक है व्यंगपूर्ण, बी नंबर विचारपूर्ण, सी नंबर भावपूर्ण और डी नंबर है विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट करके मैं बता सकते हैं, मजदूरी और प्रेम वो है भावपूर्ण कोटि का निबंध, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है भारतेंदु युगीन निबंध कैसा है। नंबर एक करुणा रहित, बी नंबर है नग्नता और सी नंबर है हास्य व्यंगपूर्ण और डी नंबर है विभोत्सुकता। ठीक है, विभोत्सुकता। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युगीन जो निबंध है वो हास्य व्यंगपूर्ण है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा निबंधकार मार्क्सवादी है। नंबर एक चौधरी बेनी माधव, बी नंबर है जगनिक, सी नंबर नामवर सिंह, डी नंबर है भट्ट केदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो निम्न में से जो निबंधकार यानी मार्क्सवादी निबंधकार हैं वो हैं नामवर सिंह, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पूरे 40 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि 40 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो 40 क्वेश्चन पूरे एंड हुए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो स्किप मत करिए, बैक मत होइए, अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिए, और कुछ पूछना है तो बेशक आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने ये पूरे वेबसाइट पे डाल दिए हैं, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा sandeepinfo.com। जैसे डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे संदीप इन्फो पे, तो आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे लेखक कवि से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, पूरे 50-60 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भूलिएगा मत। और हाँ, मैं उन सारे स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ आप लोग डेली हमारे क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके और आइडिया भी लग सके। ठीक है, तो बस यही सारी जानकारी आप लोग तक प्रोवाइड करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।